जय माता दी। मैं हूं आपके साथ आशा सरवाल। आज सातवां नवरात्रा है और सातवें नवरात्रे के दिन माता के सातवें स्वरूप यानी कि कालरात्रि माता की पूजा आराधना की जा रही है। कहा जाता है कि मां कालरात्रि की पूजा आराधना करने से आपके शत्रुओं का नाश हो जाता है, लेकिन सबसे पहले आपको दिखा देते हैं कि आखिर माँ कालरात्रि का स्वरूप क्या है। आज नवरात्रि के सातवें दिन माँ दुर्गा के कालरात्रि स्वरूप की पूजा की जाती है। इनकी पूजा अर्चना करने से व्यक्ति पर आने वाले आकस्मिक संकटों की रक्षा होती है। माँ का ये स्वरूप शत्रु और दुष्टों का संहार करने वाला है। नवरात्रि के सातवें दिन जो माँ कालरात्रि की आराधना करता है उन्हें भूत प्रेत या बुरी शक्ति का भय नहीं सताता। माँ कालरात्रि का रंग कृष्ण वर्ण का है, रंग के कारण ही इन्हें कालरात्रि कहा गया है। माँ की चार भुजाएं हैं। असुरों के राजा रक्त बीज का संहार करने के लिए ही दुर्गा माँ ने माँ कालरात्रि को उत्पन्न किया था। जो भी भक्त माँ की सच्चे मन से पूजा आराधना करता है उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो चलिए अब आपको बता देते हैं पूजा की विधि, मंत्र और आरती। इस दिन सुबह उठकर स्नान आदि से निवृत्त हो जाएं, फिर माँ का स्मरण करें और माँ कालरात्रि को अक्षत, धूप, गंध, पुष्प और गुड़ का नैवेद्य श्रद्धा पूर्वक अर्पित करें। फिर माँ को उनका प्रिय पुष्प रात रानी चढ़ाएं। फिर माँ कालरात्रि के मंत्रों का जाप करें और इसके बाद सच्चे मन से माँ की आरती करें। मान्यता है कि इस दिन माँ को गुड़ जरूर अर्पित करना चाहिए, साथ ही ब्राह्मणों को दान भी अवश्य करना चाहिए। माँ का प्रिय रंग लाल है। चलिए अब आपको माँ कालरात्रि के मंदिर में लिए चलते हैं। माँ काली का मंदिर है, माँ बावे वाली माता के नाम से मशहूर है और जम्मू का हर व्यक्ति इस पर अपनी श्रद्धा रखता है क्योंकि माँ मनोकामनाओं को पूर्ण करती है। आरती देखिए। Thank you.
चलिए अब आपको पंडित जी से भी मिला देते हैं और पंडित जी से जान लेते हैं कि आखिर माँ कालरात्रि को प्रसन्न कैसे करें और अगर माँ कालरात्रि प्रसन्न हो जाती है तो क्या क्या फल आपको मिलेंगे। मैं आचार्य प्रवीण शास्त्री सर्व मंगल मांगल्य शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते चादेवी सर्वभूतेषु भक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमो नमः। जा देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमो नमः नमस्तस्यै नमो नमः। आद भवानी माँ भगवती जगज्जननी दुर्गा के पावन नवरात्रे जो हैं प्रारंभ हो चुके हैं।
तो ये नवरात्र 14 अप्रैल से 13 अप्रैल से प्रारंभ हुए, तो उसी दिन सनातन हिंदू पद्धति के अनुसार जो है हिंदू नववर्ष भी प्रारंभ हुआ। तो ये बासंत नवरात्रे जो हैं माँ भगवती के 9 दिन तक माँ भगवती का पूजन किया जाता है इन नवरात्रों में। तो वैसे तो सनातन हिंदू पद्धति के अनुसार, परंपरा के अनुसार, जब नव वर्ष शुरू होता है उसी दिन से नवरात्र प्रारंभ होते हैं, उनको चैत्र नवरात्र कहा गया है। और दूसरे शारदीय नवरात्रे होते हैं जो कि जब सर्दी का प्रारंभ होता है तो उस समय होते हैं। उसके बीच में गुप्त नवरात्रे भी आते हैं। तो मुख्य रूप से जो हमारे हिंदू समाज जो है वो चैत्र नवरात्र और शारदीय नवरात्रों का ही विशेष करके पूजन करते हैं। तो हमारे कुछ ऐसे योगनिष्ठ जो व्यक्ति हैं जो कि माँ भगवती के विशेष आराधक हैं, वो गुप्त नवरात्रों का भी, उन गुप्त नवरात्रों में विशेष करके पूजन करते हैं। तो माँ भगवती का एक श्लोक है कि प्रथमम शैल पुत्री चा द्वितीयम ब्रह्मचारिणी तृतीयम चंद्र घंटेति कुष्मानेति चतुर्थकम पंचमम स्कंदमातेति षष्ठम कायते नीति चा सप्तमम कालरात्रि चा महागौरी चा अष्टमम नवम सिद्धिदात्री चा नवदुर्गा प्रकीर्तिता। तुझे नवदुर्गा पहले दिन शैलपुत्री का पूजन जो है वो वक्त लोग करते हैं, माँ भगवती की आराधना करते हैं और माँ भगवती का खेती रूप में, स्वांख रूप में उनका बीजारोपण करके उस माँ भगवती का आराधना की जाती है, कलश स्थापित करके। तो पहले नवरात्रे में शैलपुत्री का, दूसरे नवरात्रे में ब्रह्मचारिणी माँ का पूजन जो है भक्तजन विधि पूर्वक करते हैं। और उसमें तीसरा नवरात्रे में प्रथम शैलपुत्री, द्वितीय ब्रह्मचारिणी, तृतीय चंद्रघंटे थी, चंद्रघंटा माँ का पूजन किया जाता है तीसरे नवरात्रे में। और चतुर्थ नवरात्रे में कुष्माला माँ का पूजन किया जाता है। और पांचवें नवरात्रे में स्कंद माता का भक्त लोग पूजन करते हैं। और छठे जो आज छठा नवरात्र है, आज के नवरात्रे में माँ कात्यायनी का पूजन किया जाता है। और कल आने वाला जो है सप्तम नवरात्र, उसमें कालरात्रि माँ का पूजन किया जाएगा। और विशेष करके जो साधक लोग हैं वो कालरात्रि का पूजन रात्रि के समय करते हैं। और अष्टम नवरात्र में माँ गौरी का पूजन किया जाता है, माँ भगवती का। और कई ऐसे भी भक्त लोग हैं जो माता के, माँ भगवती के नवरात्रि अष्टमी के दिन पूजन करके, कंजक पूजन करके उसके बाद विसर्जन कर देते हैं। लेकिन शास्त्र के अनुसार जो नवरात्रे हैं वो 9 दिन तक चलाए जाते हैं। नौवें दिन माँ सिद्धिदात्री का पूजन किया जाता है। तो इन 9 नवरात्रों में भक्त लोग जो हैं माँ भगवती का व्रत धारण करके, फलाहार करके, पूजन करके और जलपान जलाहार लेकर के माँ भगवती के नवरात्रे करके अपने परिवार की, अपने घर की सुख शांति के लिए, और जो विद्वत लोग होते हैं, जो संत लोग होते हैं, वो सर्व धर्म के कल्याण के लिए नवरात्रों का, माँ भगवती का, आदि शक्ति भवानी का पूजन करते हैं। तो मैं सभी से ये निवेदन करता हूँ कि माँ भगवती के इन पावन नवरात्रे जो चल रहे हैं, इनमें जो देश में एक महामारी जो चल रही है, कोरोना महामारी, उस महामारी को मिटाने के लिए सभी माँ भगवती का पूजन करके माँ भगवती के चरणों में ये प्रार्थना करें कि हे माँ भगवती, जिस प्रकार आपने असुरों का संहार किया, राक्षसों का वध किया, संहार किया और संसार को और देश के जितने भी जो भक्तजन थे आपके, उनको बचाया, आप उनको इस आताइयों से, वैसे ही इस कोरोना महामारी से सभी अपने बच्चों की रक्षा करना, सभी संसार की रक्षा करना, सबकी घरों में सुख समृद्धि देना, सबके घरों में सुख शांति देना। जो नवरात्र हैं, इन नवरात्रों की जो विधि है उसमें सर्वप्रथम प्रथम नवरात्र से ही माँ भगवती का जो पूजन है वो प्रारंभ हो जाता है। उसमें जो भक्तजन है माँ के, वो माँ भगवती का
धूप दीप नैवेद्य के सहित पूजन करें और उसमें माँ भगवती का कलश रख करके, कुंभ रख करके विशेष रूप से उसका पूजन करें और उस कुंभ के बीच में पंच पल्लव डाल करके और उसमें जल और गंगा जल इत्यादि डाल करके, सुपारी इत्यादि नैवेद्य आदि डाल करके माँ भगवती के उस कलश का पूजन करके वरुण देवता का वहाँ पूजन करें और उसके बाद जो माँ खेती रूप में स्वांग रूप का जो पूजन किया जाता है, बीजोरोपित की जाती है माँ भगवती की खेती रूप में पूजना की जाती है, तो उसको चाहे मिट्टी में शुद्ध मिट्टी लेकर के उसमें माँ भगवती का जो खेती रूप में बीजारोपण किया जाता है या आप शुद्ध रेत लेकर के भी उसमें बीजारोपण कर सकते हैं। और प्रतिदिन पहले नवरात्र से लेकर के नवमी अष्टमी तक, नवमी तक जो है सबको अपने घर में पूजन करके उसके बाद फलाहार लेना है और हो सके तो अगर एक ही बार फलाहार लेकर के हम उस नवरात्रों को चलाते रहें तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। उसमें दुग्ध का पान किया जा सकता है और जो जिसमें अन्न ना हो ऐसा फलाहार आप ले सकते हैं, बिना अन्न के कुछ अपना प्रसाद लेकर के उन नवरात्रों को चलाया जा सकता है। और ज़्यादा से ज़्यादा अगर हो सके तो भूमि शयन करना चाहिए, क्योंकि कोई भी व्रत नियम हो तो करें तो उसको इस विधान से करें कि जिससे आपकी शुद्धता रहे और अशुद्धि आपसे ना हो सके और आप भूमि शयन करके इन नवरात्रों का व्रत रखें तो माँ भगवती जो है वो उसमें उसका कल्याण करती है और अपना सुख समृद्धि देती है, सब प्रकार की उसकी मनोकामनाओं को पूर्ण करती है। लेकिन ऐसा भी है कि हर नवरात्रे में एक एक कंजक का पूजन अगर किया जाए तो उससे ज़्यादा है वो, इसलिए ऐसे तो हम लोग जो सभी जो हैं अष्टमी को कंजक पूजन करते हैं, माँ भगवती की 8 कंजकों का पूजन किया जाता है, नवमी में 9 कंजकों का पूजन, कंजकें बिठा करके पूजन किया जाता है। लेकिन इस समय में जो कोरोना काल चल रहा है इसमें इतनी कंजक जो है सभी के घर में जाना, सबको बिठाना बड़ा मुश्किल हो जाता है उनको ला करके, तो उसमें ये विशेष है कि आप नित्य प्रति एक एक कंजक का पूजन करते जाएं तो आपको अष्टमी और नवमी में 9 कंजक या 8 कंजक लाने का ये भी आपको परेशानी ना हो। तो पहले भी ऐसा हो चुका है कि कोरोना काल में जब महामारी ये अपना प्रारंभ में जब रूप ले रही थी उस समय भी जो नवरात्र आए थे उन नवरात्रों में भी संतों ने यही परामर्श दिया था कि माँ भगवती के नवरात्रों में आप कंजक पूजन ना करके, क्योंकि उस समय ऐसा समय था कि नवरात्रों में इतनी महामारी फैल चुकी थी कि एक दूसरे के घर में आना जाना भी जो था लोगों को वो नहीं हो रहा था। तो उसमें क्या किया जाए कि शास्त्र के अनुसार वो माँ भगवती के नवरात्रों में हलवा पूड़ी और चना जो है इसका प्रसाद लगता है और साथ में नारियल की गरी निकाल करके उसका साथ में दक्षिणा रख करके कंजक जो है पूजन करके, कंजक के माथे में तिलक लगा करके, चरण धो करके कंजक के माथे में तिलक लगा करके और उस कंजक को माँ भगवती का स्वरूप मान करके उसका उसको चुनरी ओढ़ करके उसका पूजन करके कलावा बांध करके और उसके बाद उसको वो नैवेद्य प्रसाद जो है अर्पित किया जाता है और नव दुर्गा के रूप में उसका पूजन किया जाता है। लेकिन ऐसी परिस्थिति में अगर आपको जो कोरोना काल में 9 कंजक ना मिले तो आप नित्य प्रति एक कंजक का पूजन करते जाएं और नवमी वाले दिन एक या 2 कंजक भी आप दे देंगे तब भी आपका ये पूजन जो है वो संपन्न हो सकता है, नवरात्रों की समाप्ति हो सकती है। और उसमें एक विधान और भी है कि अगर आप किसी कारणवश कहीं आपको कंजक ना भी मिले, ना दे सकें, तो वो जो नैवेद्य प्रसाद है आप माँ भगवती के चरणों में अर्पित करके माँ भगवती को भोग लगा करके तो वो आप गौ को भी खिला करके अपने व्रत का पारण कर सकते हैं और उस दिन अपना पारण करके उस व्रत को खोला जाए और माँ भगवती की जो खेती रूप में जो सांग जो है वो ऐसा बताया कि नवरात्रि 9 दिन तक माँ भगवती का पूजन किया जाता है। लेकिन चलिए तो आपने देखा कि माँ कालरात्रि को किस तरह से प्रसन्न करें और कैसे आपको समझाने की कोशिश की गई और सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि माँ कालरात्रि की पूजा आराधना करने वालों के शत्रुओं का नाश बहुत जल्दी हो जाता है, उनके दुखों का यहाँ पर निवारण हो जाता है क्योंकि माँ अपने भक्तों पर अपरम कृपा जो है वो बरसाती है। आप देखते रहिए कार्यक्रम।